उत्सव के साथ में केवल डाटा कलेक्शन का काम ये नहीं है, केवल ऐप में नाम फिट करने का काम नहीं है, केवल बूथ को डिजिटलाइज करने का काम नहीं है, ये बूथ पर ठाकरे जी के मंत्र को सिद्ध करने का काम है। जैसे ही ठाकरे जी की पूरी की पूरी दर्शन सोच विचारधारा रही है, वैसी हम अपने बूथों पर कैसे सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए 20 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णु दत्त शर्मा जी राजनगर विधानसभा के 171 नंबर बूथ पर, जो उदयपुरा मंडल के अंतर्गत आता है, उसमें रहने वाले हैं और अभियान का श्री गणेश करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा उन्होंने स्वयं आप लोगों को बताया था कि 20 तारीख को उनकी व्यस्तता कमिश्नर और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के कारण है, वो 21 तारीख से सोनकच्छ विधानसभा से शुरुआत करेंगे। माननीय सुहास भगत जी इछावर विधानसभा से शुरुआत करेंगे। 20 तारीख से ही सोनकच्छ विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान में जुड़ेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी मुरैना से, केंद्रीय मंत्री माननीय फग्गन सिंह जी लखनादौन से, और केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी जबेरा विधानसभा के तेंदुखेड़ा से, और भी सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने क्षेत्र में इस बूथ विस्तार योजना के भागीदार बनने वाले हैं। हमने आग्रह किया है कि आप किसी बूथ में ही जाइए, बूथ समिति की बैठक करना, हितग्राहियों से मिलना, देव स्थान जाना, बाकी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संपर्क करना, ये तमाम आयाम है जो उनके साथ में जुड़ने का, भोजन, अल्पाहार, चाय, हमारे तमाम मतदाता है, हितग्राही है या वरिष्ठ नेता, इनके साथ में करना, अलग अलग परिवारों में जिन्हें अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार, अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार कहते हैं, उनको भी जोड़ने का काम कर, जो हमसे जुड़े नहीं उनको जोड़ने का काम, वो जो जुड़े हैं उनको जोड़े रखने का काम, जो कार्यकर्ता है उनको प्रशिक्षित करने का काम, जो अभी हितचिंतक है उनको कार्यकर्ता बनाने का काम, ये हम करने वाले हैं पूरे कार्यक्रम के दौरान। मुझे लगता है कि ये अभियान दुनिया का सबसे बड़ा तो है ही, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ही निश्चित तौर पर सीखने वाला, सिखाने वाला और आगे बढ़ाने वाला है। हम लगातार इस कार्यक्रम में और कई आयाम जोड़ते जाएंगे, क्योंकि जो संगठन ऐप बना है वो मात्र एक बार के लिए नहीं, आगे भी इस ऐप के माध्यम से हम कई प्रकार की गतिविधियां चलाने वाले हैं। सोशल मीडिया का पक्ष भी इस ऐप के माध्यम से जुड़ने वाला है, जो आने वाले समय में उद्घाटित करेंगे आप सब लोगों के साथ में। तो इस ऐप से बूथ का भी कार्यकर्ता सोशल मीडिया से कनेक्ट कैसे हो, हमारे नेतृत्व के साथ में हमारे जो तमाम फोरम है सोशल मीडिया के, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, उन फोरम पर जो बीजेपी के नेशनल और स्टेट के हैंडल्स हैं उनके साथ भी कैसे जुड़ने का काम करें, उस तरफ भी हम बढ़ने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर नई सदी की भारतीय जनता पार्टी पुरानी परंपराओं के साथ, वही दर्शन, उसी विचारधारा के साथ, उसी परंपरा के साथ में, और उसी तमाम प्रकार के जो हमारी रीति रिवाज है उनके साथ में आगे बढ़ने का काम, और हमारी जो वरिष्ठ नेताओं की पीढ़ी है और जो अपने आप को खपा चुके हैं, वो जहां भी होंगे देख रहे होंगे कि उनकी नई पीढ़ी भी उन्हीं के सपनों को साकार करने में जुटी हुई है, लगी हुई है, और संगठन को नई तकनीक, नई युग के साथ में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुझे इतना ही कहना था, आप लोगों के कोई सवाल हो सिंधिया जी कहाँ रहेंगे? सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जानकारी कि कभी इस पूरे अभियान में किसी न किसी बूथ में जुड़े तो उनकी जानकारी आ रही है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि सभी कार्यकर्ता सभी श्रेणी के, उनसे आग्रह किया, जो जब झांकियों की चुनाव भी चल रहे हैं तो कई लोगों की ड्यूटी भी अलग, हमारे हितानंद जी जो संगठन महामंत्री हैं वो भी उत्तर प्रदेश में, कई नेता उत्तर प्रदेश में, तो कुछ ना करेंगे। सर, आपने ये कहा कि दूसरी पार्टियों को लोगों को भी जोड़ना है, उसको भी साथ में लेकर चलना है, आपने मध्यप्रदेश में आइडेंटिफाई किया है कि दूसरी पार्टी में कोई, वो बूथ का कार्यकर्ता बूथ पर आइडेंटिफाई करेगा और उनको कोई जोड़ना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये आपने इसको रखा है ना पॉइंट 22 जो आपके पॉइंटर्स में, आपने कहा कि सर कुछ अच्छे नेता जिनको लाना हो कांग्रेस में, मैंने कहा कि नंबर बूथ पर, जो उदयपुरा मंडल के अंतर्गत आता है,
मुख्यमंत्री जी जैसा उन्होंने स्वयं आप लोगों को बताया था कि 20 तारीख को उनकी व्यस्तता कमिश्नर और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के कारण है,